जय जय माता दी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, स्त्री वशीकरण यंत्र, इस यंत्र को बनाते ही आप जिस स्त्री के प्रति सोचेंगे, जिस स्त्री के प्रति मन में यह ख्याल रखेंगे कि आपके वशीभूत हो जाए, वह आपकी हो जाएगी। इस यंत्र को बनाते हुए बस उसके बारे में सोचना है जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, वह खुद ब खुद आपसे हर तरह से कांटेक्ट करेगी या फिर किसी तरह से आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर दूर है तो, और पास है, रूठी हुई है, तो बातचीत खुद से ही करेगी। आपको पहले से पहल करने की भी जरूरत नहीं होगी। इसे सिर्फ स्त्री के ऊपर ही प्रयोग किया जा सकता है, स्त्रियां इसे नहीं कर सकती। पुरुष के ऊपर इस यंत्र को करना क्या है, एक भोजपत्र लेना है और इस यंत्र को बनाने के लिए काले रंग का मार्कर ले लेना है। अगर काला रंग ना मिले तो लाल रंग का ले सकते हैं। शहद की डिब्बी चाहिए। इस विधि को पूर्णिमा या फिर अमावस्या के सूर्य अस्त होने के बाद करें और जब इस यंत्र को बनाएं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बनाएं और पूरे यंत्र को बनाते समय सिर्फ उसी स्त्री का ख्याल रखें। मन में यही सोचें कि सिर्फ और सिर्फ वो आपकी है और आपके पास आ गई है। जो डिस्प्ले में दिख रहा है यंत्र, बिल्कुल वैसे ही यंत्र आपको बनाकर जो शहद की डिब्बी है उसमें रख लेना है और उसे अपने ही पास रखिए। अर्थात जहाँ पास आप रहते हैं, आपका कमरा है या फिर आप सोते हैं उठते हैं, ज़्यादातर आपका कार्य होता है वहीं पास, उसी जगह पास रखिएगा। जिस स्त्री के बारे में आपने सोचा है, मन में कल्पना किया है इसे बनाते हुए, वह स्त्री तुरंत ही वशीभूत होगी। चमत्कारी प्रयोग है, आप जरूर करके देखिए। जय जय माता दी। मित्रों,